चाइनीज खाना मिल जाए तो क्या कहने। और चाइनीज में अगर मंचूरियन के साथ चाउमीन या फ्राइड राइस हो तो क्या कहने। खाने का मजा दुगना हो जाता है। अब मेरे जैसे तो कई ऐसे भी हैं जिन्हें ड्राई या ग्रेवी मंचूरियन यूं ही खाना बेहद पसंद है। मंचूरियन देखने में जितना स्वादिष्ट लगता है, खाने में उससे कहीं ज्यादा टेस्टी होता है। लेकिन सोचिए, अगर आपके शहर में मंचूरियन मिलना ही बंद हो जाए तो क्या हो। अगर सरकार मंचूरियन पर बैन ही लगा दे और तब क्या हो, जब पूरे देश में मंचूरियन बेचने और खाने दोनों पर बैन लग जाए। खैर, देश में तो नहीं, लेकिन कर्नाटक में तो ये बैन कर ही दिया गया है। जी हां, कर्नाटक सरकार ने कॉटन कैंडी के बाद अब रंगीन गोभी मंचूरियन पर भी बैन लगा दिया है। वजह है आपकी हेल्थ पर पड़ने वाला इसका बुरा असर। आखिर कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने रंगीन गोभी मंचूरियन पर पाबंदी क्यों लगाई है और इसे खाने से क्या स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल गोभी मंचूरियन में पड़ने वाला आर्टिफिशियल कलर इस डिश में काफी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अब हुआ ये कि कर्नाटक राज्य सरकार के फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी डिपार्टमेंट के अनुसार उन्होंने गोभी मंचूरियन के सैंपल राज्य के अलग अलग रेस्टोरेंट्स और चाइनीज कॉर्नर से इकट्ठे किए और इसके बाद इन सभी सैंपल्स को लैब में भेजकर जांच करवाई गई, जिसके बाद पाया गया कि गोभी मंचूरियन में आर्टिफिशियल रंगों का बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है और ये रंग इतनी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं कि इनसे कैंसर होने का खतरा होता है। इसलिए सरकार ने इस डिश को ही बैन करने का फैसला लिया है। दरअसल मंचूरियन को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए रोडामाइन बी जैसे आर्टिफिशियल रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ये रंग डालने के बाद डिश तो अच्छी दिखती है, लेकिन आपके शरीर के लिए ये बेहद हानिकारक है और इसीलिए सरकार ने रोडामाइन बी जैसे आर्टिफिशियल रंगों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी डिपार्टमेंट की माने तो इस केमिकल के इस्तेमाल से बने रंगों के सेवन से कैंसर होने का जोखिम बढ़ सकता है। इसके अलावा ये कई और अन्य बीमारियों को भी न्योता देता है। इसलिए सरकार ने मंचूरियन नहीं बल्कि इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले रंग पर पाबंदी लगाई है। इनडायरेक्टली अब कर्नाटक में मंचूरियन नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना इन रंगों के इस्तेमाल के मंचूरियन बनेगा कैसे, और मान लो बना भी लिया तो नॉन अट्रैक्टिव दिखने वाला मंचूरियन खाएगा कौन। तो अब ये समझिए कि रोडामाइन बी के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। रोडामाइन बी एक हानिकारक केमिकल कलरिंग एजेंट है, जिसको दरअसल कपड़ा रंगाई और कागज उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। ये केमिकल अपने हरे रंग के लिए जाना जाता है। तरल पदार्थों यानी कि गीली चीजों के संपर्क में आने पर इसमें चेंजेस होते हैं और ये अपना रंग बदल कर रेड या पिंक हो जाता है। एक स्टडी के अनुसार रोडामाइन बी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। खाने के साथ इसे मिलाने से ये सेल्स और टिश्यू पर ऑक्सीडेटिव तनाव को बढ़ा सकता है, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक खाने में रोडामाइन बी का इस्तेमाल करने से लिवर को नुकसान या कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। तो अगर आप भी रंगीन गोभी मंचूरियन को देखकर अट्रैक्ट होते हैं तो सतर्क हो जाएं और उन सभी खाने की चीजों से परहेज करने की कोशिश करें जिनमें रोडामाइन बी जैसे आर्टिफिशियल रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।